दोस्तों पिछले कुछ अरसे से साइंस ने बहुत तरक्की की है, क्योंकि पहले इंसान ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज होंगी, जिसमें स्मार्टफोन आ जाते हैं, मोटर कार्स आ जाती हैं और एरोप्लेन वगैरह आ जाते हैं। दोस्तों इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज बना ली जाएंगी जिसके बारे में आम इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में हम आने वाली फ्यूचर की ऐसी दिलचस्प टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ सॉल्विंग रूबिक्स क्यूब। दोस्तों रूबिक्स क्यूब का खुद सॉल्व करने का जितना मज़ा है वो किसी गैजेट से नहीं है, लेकिन ये ऐसा गैजेट है जो कुछ ही सेकेंड में रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर देगा। ये गैजेट भी हमें आने वाले कुछ ही सालों में देखने को मिलेगा। BMW सेल्फ ड्राइविंग मोटरसाइकिल के बारे में, ये BMW की तरफ से हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेगी। दोस्तों तो अब बात करते हैं कि ये कंट्रोल कैसे होगी। कंट्रोल ये दो तरीकों से होगी। इंसान खुद इसे कमांड देगा और दूसरा इसके पीछे एंटीना लगा होगा जिसकी मदद से ये कंट्रोल होगी। दोस्तों सेल्फ ड्राइविंग मोटरसाइकिल पे 2 सालों से काम जारी है। होपफुली हमें ये मार्केट में जल्दी देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बारी है ह्यूमनॉइड कंस्ट्रक्शन रोबोट। ये साइंस के करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि ये ऐसा रोबोट है जो कंस्ट्रक्शन का काम खुद ही कर लेगा। दोस्तों 2024 में कंपनी इसे लॉन्च कर देगी और 2025 में ये मार्केट में अवेलेबल होगा। माइक्रोलिनो इलेक्ट्रिक माइक्रो कार। दोस्तों इसकी मैक्सिमम रेंज 230 किलोमीटर होगी और इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।